वेलकम बैक ऑन माई चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। बट आप अब आपके पास 2 दिन का टाइम बचा है, आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लो, इससे आप इजीली पास हो जाओगे। और मैं गारंटी बता के साथ बोल सकती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, इसलिए वो क्वेश्चन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जो स्टूडेंट्स पास होकर ही जाना चाहते हैं तो उन क्वेश्चनों को आप वो पहले करके जाना, ठीक है? क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, ओनली 2 दिन का टाइम बचा है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकती है, ठीक है? तो सबसे पहले देखते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि कमेंट में बहुत आता है कि कौन सी ईयर के लिए, ये है बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन 2024 राजस्थान यूनिवर्सिटी, और सब्जेक्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ राजस्थान। इसका पेपर है आपका 4 अप्रैल को, ठीक है? अब यूनिट वाइज देखते हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने की चांसेस है और आपको कौन कौन से आपको करने हैं जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है? अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कि कितने क्वेश्चन मैच हुए हैं, तो इस बार भी मैच होने के पूरे पूरे चांसेस है। बट मैं लास्ट में वही 2 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगी जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, ठीक है? तो यूनिट फर्स्ट की बात करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में जी पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, डिफाइन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया था और 2022 में आया था, तो इस बार भी पूरे चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन आपको 2024 में मिल जाए। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है? ये आपका क्वेश्चन वहाँ मिलेगा, या तो आपके पास इंपॉर्टेंट पूछ लेगा या फीचर्स पूछ लेगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है वो पूछ लेगा। और मैं बोल पूछा है बेसिक फीचर बताना है इंडियन इकोनॉमी के और पॉपुलेशन के, ठीक है? ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको करना है, दोनों में से आपको वहाँ एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा। यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ, मेन कॉन्स्ट्रेंट इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, हाउ इट कैन बी रिमूव, उसे कैसे रिमूव किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर सेकंड में। और एक्सप्लेन पंचायती राज क्या होती है, इसकी वीडियो मैंने बता दी है, ऊपर लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हो। और ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम से पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो इस बार भी आने के चांसेस है, तो ये वाला भी जरूर करना। यूनिट नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। यूनिट थर्ड में एग्रीकल्चर पॉलिसी मस्ट है, मतलब इसे तो आपको करना ही है, क्योंकि इस बार भी क्वेश्चन 2023 में क्वेश्चन आया था, 2022 में भी क्वेश्चन आया था, तो एग्रीकल्चर पॉलिसी जरूर करना है। और में है मेजर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन राजस्थान, और है आपका एक्सप्लेन द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए कौन कौन से सोर्सेज है, मतलब कहाँ से एग्रीकल्चर के लिए पैसा आता है, कौन कौन सा सोर्सेज है, वो बताने थे। यूनिट नंबर फोर्थ की बात करते हैं, जो आपका मतलब मैं बता दूं इन दोनों में से एक क्वेश्चन वहाँ मिल जाएगा या दोनों के दोनों मिल जाएंगे। यूनिट नंबर फोर्थ में बनते ही 2 क्वेश्चन ये है, तो इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, 100% ये वाले क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेंगे। तो आप देख लो कि टूरिज्म क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, ये जरूर करना है, इसको स्किप बिल्कुल मत करना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है? यूनिट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं, जो आपकी लास्ट यूनिट है वह है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन राजस्थान, इसे डिस्कस करिए, इसके प्रॉब्लम्स बताइए, सजेशन बताइए कि इसे कैसे रिमूव किया जा सकता है। और में आया है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसे भी स्किप मत करना, क्योंकि पिछली बार भी आया था, इससे पहले बार भी आया था, ठीक है? अब आपको मैंने बता दूं, मैंने लास्ट में बोला था कि कौन सी यूनिट पहले करनी चाहिए जिससे आप पास हो सकते, तो सबसे पहले यूनिट बनती है यूनिट नंबर फोर्थ, जो आपको टूरिज्म का क्वेश्चन वहाँ ज़रूर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही लिख दिया है, ठीक है? टूरिज्म का क्वेश्चन मिलेगा, टूरिज्म तो आप जानते ही हो क्या होता है, ठीक है? अब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इसको याद करने में, और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आप करके जाना, ठीक है? अब दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताती हूँ, यूनिट नंबर फर्स्ट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आप ये 2 क्वेश्चन करके जाओ, आप इजीली पास हो जाओगे वहाँ, ठीक है? मैं फिर से बोल रही हूँ, पूरा डिपेंड हो गया इन पे मत जाना, अगर आप पूरा क्वेश्चन करके जाते हो, पूरे जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया है, आपके 100 ऑफ 200 मार्क्स आना कन्फर्म है।
ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दो क्वेश्चन में से वहाँ एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा हर यूनिट में। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह रट लो, और आपको मैंने पहले भी बताया था, जैसे मैंने कोस्ट अकाउंटिंग में बताया था, पूरा का पूरा पेपर मैच हुआ है। फाइनल वाले स्टूडेंट से पूछिए रूरल डेवलपमेंट, बिजनेस बजटिंग, जो आपका उनका पेपर आने वाला है, वो भी पूरा मैच होगा, देख लेना, ये मेरी गारंटी है। तो इसी तरीके से आप अपना ट्रस्ट दिखाए रहिए, और बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपका सपोर्ट दिखाना है मुझे लाइक करके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।